और मुझे तो खुशी है भाई, बहुत लोग तो बहुत बात करते हैं आजकल, तो जनता दल यूनाइटेड में अब बहुत लोग आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। 5 MLC आए, 7 MLA आए, कई लोग आए, राधाचरण शाह, कमर आलम, दिलीप राय, संजय प्रसाद, रणविजय कुमार सिंह सब MLC, और MLA में महेश्वर यादव जी, श्रीमती प्रेमा चौधरी जी, कौन है प्रेमा चौधरी जी, महादलित, चंद्रिका राय जी, कौन है चंद्रिका राय जी, स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र, फराज फातमी साहब, फातमी साहब कितना काम किए भूल गए, और उनके पुत्र, और क्या कहकर के उनको पार्टी से निकाल दिया, जयवर्धन यादव, स्वर्गीय रामलखन बाबू के, स्वर्गीय रामलखन सिंह यादव जी के पौत्र, वीरेंद्र कुमार तेघड़ा बेगूसराय से आए, पूर्व डीजी रहे सुनील कुमार, राजद के राष्ट्रीय सचिव हर्षवर्धन सिंह, राजद के प्रदेश महासचिव अब्दुल मोहम्मद अब्दुल सलाम, मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं जरा जानना चाहता हूं कि भाई क्या व्यवहार हुआ है, स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं चंद्रिका राय जी और इनकी पुत्री, क्या हुआ है स्वर्गीय राय के साथ व्यवहार, कितनी पढ़ी लिखी है, लोग शिक्षा पर बात करते हैं और पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ, ये परिवार का मामला है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कितना दुखद है एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ क्या हुआ, और कौन है, कौन है आप जरा बता लीजिए, किनकी पुत्री है आप जरा कल्पना कर दीजिए, दरोगा बाबू की पुत्री, और रामलखन बाबू का पौत्र जो जयवर्धन है, क्या इन लोगों के साथ किया भाई, भूल गए, दरोगा बाबू ने कितना काम किया, कितना मदद किया था, रामलखन बाबू ने कितनी मदद की थी जिनको, और एक की पौत्री के साथ, एक के पौत्र के साथ, क्या भाई उसको कैसी ऐसी नौबत आई, कौन थे, शिक्षा पर ध्यान दिए, रामलखन बाबू ने कितना इंस्टीट्यूट खुलवाया, याद करिए सबसे बड़ी आबादी, और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने ध्यान दिया, आप बताइए, परिवारवाद चला रहे हैं, परिवारवाद ही सब कुछ है, जिनने आपको मौका का मदद किया, और वैसे लोग के परिवार के साथ क्या था, परिवार मतलब खुद का परिवार, इतने बड़े लोगों के परिवार का कोई महत्व नहीं है, तो अपना सोच लीजिए और जान लीजिए, मुझे तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये सब आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, मैं तो इज्जत करूंगा, हमारे पार्टी के लोग इज्जत करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है बिहार के लोग इस पूरी बात को जान करके सब लोगों की इज्जत करेंगे और देखेंगे।